सब फ्रेंड बाहर में पूरा आंधी तूफान आ गया है, दरवाजा में अभी बंद कर देते हैं तो पूरा कचरा जो है ना घर के अंदर में घुस जाएगा। बहुत भयानक आंधी तूफान आ चुका है बाहर में। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से न्यू ब्लॉग पे। और बाहर में आंधी तूफान शुरू हो गई है, आंधी तूफान के साथ मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी लेके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो बनाना था मुझे दोपहर में ही, अभी 5 बजे से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तब तक बहुत जोर से आंधी तूफान आ गई। अब मैं आधा तैयारी कर चुकी हूँ, आधा मैं भी छोड़ नहीं सकती। तो खैर कोई बात नहीं, मैं खिड़की दरवाजा सब लगा दी हूँ किचन का, और मैं किचन में हूँ, बाकी बच्चे सब रूम में। मैं बोली हूँ बाहर नहीं निकलने, तो बहुत जोर आंधी तूफान चल रहा है। तो फ्रेंड ज्यादा बातें ना करते हुए मैं बता देती हूँ कि मैं आज आप लोगों के साथ गाजर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हलवा तो आपने बहुत खाया होगा गाजर का, और आज मैं अलग तरीके का आपसे केक बोल सकते हैं या तो कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आप इस रेसिपी को क्या नाम दीजिएगा। तो ये जो आप गाजर देख रहे हैं ना, ये हमारे बगान का है, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ दिन के वीडियो में मैंने शेयर किया था। बगान में ऊपर लगाए थे, वहीं से निकाले हैं, और ये एकदम फुल रेड गाजर है। तो इसे मैंने अच्छे से धो के इसका छिलका उतार के वापस से धो लिया है, और ये करीब 1 kg नहीं होंगे, 1 kg से थोड़ा सा कम होगा। तो आज हम इसी की रेसिपी बनाने वाले हैं, आप लोग जरूर से एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सुनीता को, मतलब बनाइएगा खाइएगा उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। तो चलिए हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें गाजर को सबसे पहले लेना होगा, और हमें चाहिए कुकर। तो आज की रेसिपी है एकदम कम चीजों से हम बनाएंगे, जो कि घर में सभी के घरों में अवेलेबल होती है। तो गैस का चूल्हा हम ऑन, तो यहाँ गाजर को मैं थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में यहाँ पे कट करके कुकर में डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए। और यहाँ पे देखिए सारे गाजर को मैंने कट कर लिया है ऐसे छोटे बड़े टुकड़ों में, और कुकर में ये बनाइए तो बहुत जल्दी बनता है और गैस का बचत भी होगा, बाकी आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है दूध, तो ये जो है फुल क्रीम दूध है, आप नॉर्मल भी गाय का दूध ले सकते हैं। तो ये गर्म किया हुआ दूध है और रूम टेम्परेचर का है, तो दूध को गर्म करके ही ले। तो इस कप से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, इसमें मैं 1.5 कप इसमें दूध डालूँगी, और अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। तो 1.5 कप मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है, बस गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। सो फ्रेंड इसे मीडियम फ्लेम पर हमें 3 सीटी लगाना है, और कुकर को अच्छे से ठंडा होने का वेट करना है। तो हम वेट करते हैं। कुकर यहाँ पे बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, 3 सीटी लगाने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, तो बहुत अच्छे से ये ठंडा हो गया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पका है या नहीं। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ कलछुल से निकाल रही हूँ, और बहुत अच्छे से ये पक गया है, तो इसे हमें अभी ठंडा करना है। तो एक अलग बर्तन में मैं इसे निकाल देती हूँ, और ये जो दूध बचा ना ये बर्बाद नहीं होगा, यकीन मानिए आप। और थोड़ी देर बाद देखिए ये ठंडी हो गई है, रेसिपी बनने के लिए तैयार है। तो हमें लेना है एक मिक्सर का जार जिसमें हमें इसका पेस्ट बनाना है, तो मिक्सर में हम इसे डाल देंगे, और थोड़ा जो ये दूध जो बचा है ना इसी दूध का हमें यूज करना है। तो यहाँ मिक्सर में मैंने लगा दिया है गाजर को, और हमें इसे बारीकी से पेस्ट बनाना है। थोड़ा थोड़ा दूध हम डालेंगे, वही दूध जो हमने कुकर में डाला था ना जो बच चुका है, वही वाला दूध हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही देखिए अच्छे से ये पिसा गया है, तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी लिया है चीनी। आप गाजर के हिसाब से मतलब मीठे के अनुसार आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा ले सकते हैं। वापस से हम मिक्सर को चला देंगे, और फिर हम दोबारा से चेक करेंगे। तो देखिए सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई है। और एक चीज़ हम इसमें डालेंगे, ये है चावल का आटा, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। आप इसके जगह में मिल्क पाउडर या तो मैदा वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम डाल देते हैं, और वापस हम मिक्सर का जार को चलाते हैं। इससे क्या होगा ना कि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ फ्लेवर के लिए मैं वनीला एसेंस यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इलायची का पाउडर ले सकते हैं, या तो इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। तो मुझे वनीला वाला फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वनीला में डाल के यहाँ पर वापस हम मिक्सर को चला देते हैं। ऐसे में सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती है, बहुत अच्छे से इसका पेस्ट तैयार हो जाता है। और इसमें मैं कोई भी सोडा इनो दही ऐड करने वाली नहीं हूँ, बहुत ही बेसिक सा ये रेसिपी है। तो थोड़ी देर बाद देखिए मिक्सर अच्छे से रेडी हो गया है, और यहाँ मैं कोई केक टिन का भी यूज नहीं कर रही हूँ, हालाँकि मेरे पास केक टिन है, बस मैं ये बर्तन
एल्युमिनियम का है वो यूज करें। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं भारी तेलवे वाला, तो तेल से हम इसे ग्रीस कर देते हैं बर्तन को और सभी पेस्ट को हम इसमें डाल देते हैं। आप इसमें कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, आप अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो मैं बहुत बेसिक ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पेस्ट रेडी हो गया है और इसे पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पे, तो पानी हमारा उबल गया है। आप इसमें एक कटोरी या तो इस तरीके का एक स्टैंड डाल दीजिए और इसे हम सावधानी से रख देते हैं अंदर और ऊपर से हम इसे कवर कर देते हैं। आप इसको कुकर में भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैंने बंद कर दिया है और हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है 20 मिनट। 20 मिनट के बाद ही हम चेक करेंगे, तब तक इधर हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ जो दूध बचा है ना उसी का मैं यूज करने वाली हूँ ताकि अच्छा सा केक के ऊपर में एक डिजाइन आ जाए। तो दूध को हम छान लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ चावल का आटा वापस से, 2 या 3 चम्मच आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 चम्मच शायद ऐसे हो रहे 3 चम्मच मैंने लिया है। और मीठा के लिए मैं यहाँ पे लूँगी 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। चीनी को हल्का सा मिक्सर में पीस लीजिए। और वापस से फ्लेवर के लिए यहाँ पे वनीला एसेंस यूज करूँगी। और जो दूध बच गया है मैंने छाना हुआ है ना, मतलब छान के हम इसे यूज करेंगे, उसी से हम इसे मिक्स करेंगे। आप दूसरा दूध भी ले सकते हैं, फ्रेश दूध। तो ये हमारा एक पेस्ट टाइप से बन जाएगा। और एक्स्ट्रा जो दूध बच गया है ना आप इसे ऐसे भी बच्चों को दे दीजिए, चीनी मिला के पी जाएंगे या मैं ही इसे पी जाऊंगी। और थोड़ी देर बाद हम इसे चेक करते हैं, 20 मिनट हो गए हैं। तो बहुत ही सावधानी से इसे खोले, बर्तन काफ़ी गर्म हो चुका है। तो अभी हमें ऐसे कुछ नहीं करना है, चक्कू से भी चेक नहीं करना है, फोक से भी नहीं, कुछ नहीं। बस इसके ऊपर जो हमने ये चावल के आटे का मिक्सचर रेडी किया है ना इसे हम डाल देंगे ताकि एक अच्छा सा डिजाइन हमारा तैयार हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके का। और हमें ऐसे अभी कुछ नहीं करना है, वापस से हम इसे कवर कर देंगे। अगर कढ़ाई में पानी कम हो जाए तो पानी डाल दीजिए। और हमें इसे अभी 30 से 35 मिनट पकाना है। और कंटिन्यू इधर बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी पूरे यहाँ पे 30 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। तो अभी जस्ट मैंने रोटी बनाया है फ्रेंड, देखिए आटा हाथ हुआ है। तो फ्रेंड इसे पकते हुए टोटल 50 मिनट हो चुके हैं। पहले मैंने 20 मिनट पकाया, वापस से 30 मिनट, तो 50 मिनट टोटल हो चुके हैं और ये पक गया है। तो इसे हमें अभी ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। बहुत अच्छे से इसे पूरा बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी तो इसलिए देखिए यहाँ तो धो ही नहीं हूँ, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, बारिश अभी जाकर छूटी है। तो अगर ये रात तक ठंडा हो जाता है, मतलब अभी 2 घंटे में, जब तक हम लोग खाना में नहीं खा रहेंगे, तो आज ही मैं आपको ये दिखाऊंगी, नहीं तो नेक्स्ट डे सुबह फिर इसे हम खाएंगे। तो आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करेंगे। फ्रेंड एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेहनत को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्यारा सा कमेंट, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम है सुनीता ब्लॉग। और एक बार जरूर से आप भी ट्राई कीजिए, गाजर की ये न्यू रेसिपी है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी क्योंकि इसका खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है, मन कर रहा है अभी खा लूं मैं। लेकिन जब तक ये ठंडा नहीं होगा पूरा ना तो निकलेगा नहीं, तो इसीलिए सबसे पहले तो हम वेट करते हैं इसको बहुत अच्छे से ठंडा। 2 घंटा में इजिली ये ठंडा हो जाएगा, अगर लाइट आ जाएगी तो मैं पंखा चालू कर दूंगी तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो आज ही फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोग भी ट्राई करके खाइए और सुनता है अपना एक्सपीरियंस। तो हम अभी रूम में आ गए हैं और अभी टाइम 9:15 ऐसे कुछ हो रहा है, अभी तक हमने डिनर नहीं किया है। और तब तक मैंने इसे चेक किया तो ये अच्छे से देखिए ठंडी हो गई है, किनारे से ये छूट रही है। तो बस मैंने सोचा कि चलिए अभी ही आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो किनारे किनारे हम चक्कू से कट कर लेंगे, जैसे कि मतलब जैसे हम केक को हटाते हैं ना बिल्कुल वैसे, और एक थाली में हम इसे पलट देंगे, बहुत ईजिली ये हो जाता है। और अभी मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, इसे निकाल के बहुत ईजिली निकल जाता है, देखिए कुछ भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये कितना अच्छा इसमें कलर आया है, अगर आप इसे और गाढ़ा कलर चाहते हैं तो इसमें हल्का सा रेड कलर आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये रहा हमारा चावल का हिस्सा और बाकी जो गाजर वाला नीचे है। तो इसे हम सबसे पहले पीसेस में कट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे कितना क्रिस्पी टाइप से ऊपर जो है चावल का आटा डाला है ना, उसके वजह से ये बीच बीच से टुकड़े भी हो जाने, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ये।
जबकि मैंने कोई सोडा वगैरह नहीं डाला है। तो थोड़ा सा हम इसे डिजाइन बना लेते हैं। कट मैंने कर लिया है तो कुछ इस तरीके का मैंने ऐसे डेकोरेशन किया है, आप देखिए, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि देखने में कैसा लग रहा है। और ये मैंने YouTube से ही देख के सीखा है फ्रेंड और ट्राई किया है। अभी टेस्ट करके भी हम आपको बताएंगे कि ये कैसा बना है। एक लाइक तो बनता है, एक प्यारा सा कमेंट, फुल सपोर्ट कीजिए सुनीता को। तो आ रही है ना मुंह में पानी देख के, बच्चों का तो मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए फटाफट से हम इसे अभी टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं। हस्बैंड जी बैठे हुए हैं नीचे में, तो वो कवर कर रहे हैं बच्चों का जो आधा मतलब आयुषी का कॉपी किताब मिला है ना, उसे वो कवर करने में बिजी है। तो उसे मैं खिला दूंगी उन्हें। और हाँ, बच्चों को मैं टेस्ट कराती हूँ। बच्चों का देखिए आप मुंह का जो क्या बोलते हैं इम्प्रेशन बोलते हैं ना, वो देखिए आपको खुद पता चल जाएगा। और मैं भी टेस्ट यहाँ पे की, सच में बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।